The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, let's talk about this ki kai logon ko khana khane ke baad khansi aati hai. Kyun? Kahe? Kashala? Kasa? Asakasaste? ये क्या हो रहा है, ये क्या कोई इन्फेक्शन है, क्या अस्थमा है, क्या एलर्जी है, क्या आपकी फूड पाइप खराब हो गई है, क्या आपको कोई खाने की नली में सांस की नली में खाना चला गया है, कि ये एसिड रिफ्लक्स है, ये क्या है, क्यों है, आइए बात करते हैं। घबराने की बात नहीं है, समझने की बात है। समझेंगे तो आप खुश रहोगे, आराम से रहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे। कोरोना है क्या? नहीं, कोरोना नहीं है, डोंट वरी। खाने के बाद में कफ हो रहा है, इसको कोरोना नहीं बोलेंगे। देखो, खाने के बाद में अगर कफ हो रहा है, या हर बार हो रहा है, हर बार खाने के बाद हो रहा है, या कभी कभी खाने के बाद हो रहा है, उसके टेक्निकली तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसमें अस्थमा भी है, एसिड रिफ्लक्स भी है, फूड एलर्जी भी है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे। देखो, खांसी कोई बीमारी नहीं है। खांसी आपके शरीर का एक रिस्पॉन्स है कि कुछ फंसा, सांस की नली में कुछ फंस रहा है, सांस की नली को कुछ इरिटेट कर रहा है, जोर से हवा मार के उसको निकाल दो, बच जाएंगे आप। दैट इज योर सिस्टम्स रिस्पॉन्स, राइट? सिस्टम बहुत सिंपल है ना? गंदगी आ रही है, दरवाजा बंद करो, फूक मार के, समथिंग लाइक दैट, सिंपल। उसका और कुछ नहीं है। सो जो भी चीज आपके शरीर को इरिटेट करेगी, सांस की नली को इरिटेट करेगी, वो ये करेगी। मोस्ट कॉमन चीजें जो इसके वजह से, खासकर ये चीज समझ लो, जितने भी कारण होते हैं खाना खाने के बाद खांसी आने वाले, वो सारे ट्रीटेबल है। ज्यादातर 99% चीजें ट्रीटेबल है, राइट? सबसे कॉमन इसमें है एसिड रिफ्लक्स, अपना पुराना एसिड रिफ्लक्स और उसके साथ रिलेटेड वाली चीजें। जैसे अगर एसिड रिफ्लक्स है तो एसिड रिफ्लक्स खुद खाना ज्यादा खाया, ऊपर आया, इसोफेगस को जलाया उसने, और हमने ऑलरेडी समझाया है अपने वीडियोस में एसिड रिफ्लक्स क्यों होता है, राइट? खाना ऊपर ज्यादा नहीं खाना तो दिक्कत, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर खराब होने की वजह से, एक वो कारण। या आपने बहुत ही पानी पी लिया खाने के साथ तो पेट ही पूरा भर गया, या आपने ड्रिंक भी कर रहे हो, खाना भी खा रहे हो, तीन चार चीजें एक साथ ले रहे हो तो पेट भर गया, समथिंग लाइक दैट, वॉट एवर इट इज। इफ इट इज कमिंग आउट ऑफ द इसोफेगस इनटू द फूड पाइप, बाहर आ रहा है खाना, वापस आ रहा है, गले तक आ रहा है, सो इट कैन कॉज दिस कफ। इट कैन कॉज, आपके गले को सोर थ्रोट कर सकता है, तो कफ भी करेगा। सोर थ्रोट होएगा तो गले में गंदा टेस्ट भी आ सकता है, खट्टा, खट्टे डकार जिसको बोलते हैं, राइट? बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है, और बिटर टेस्ट तो है ही है। तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स और एसिड रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स के वजह से नौजिया भी हो सकता है, उसी समय उल्टी भी आ सकती है, गले में स्वॉलिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, कई बार बेल्चिंग भी हो सकती है, डकौरे आ रही है, ब्रीदिंग वीजिंग भी हो रही है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें हो सकती है, और ठीक है, और क्या वो बता दिया, 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट फिर भी लगेंगे। लैरिंजो फेरिंजियल रिफ्लक्स एक और कारण होता है इसमें, ठीक है। समटाइम्स कई बार ये क्या होता है, लैरिंजो फेरिंजियल रिफ्लक्स मतलब ट्रेडिशनल रिफ्लक्स सिम्टम है, मतलब GERD के जैसा ही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि ये आपके पेट से ऊपर आके ना सिर्फ फूड पाइप में जाता है, बल्कि आपके लैरिंग्स में, खाने की पाइप में चला जाता है। ये एक रिफ्लक्स है, ये एक साइलेंट रिफ्लक्स है, और ये काफी वैसे ये सुनने में डेंजरस लग रहा है, लेकिन ये क्या होगा, जैसे ही खाना ऊपर निकल के लैरिंग्स में, यानी खाने की पाइप में से निकल के सांस की पाइप में जाने लगे, खफ खफ खफ, आपको एकदम खांसी आएगी, राइट? कई बार आप खाना खा के लेटते हो, रिफ्लक्स होता है, वहां जाता है, एकदम से खड़े हो रहे हो, क्या हो गया पता, एकदम बातें करते करते भी जा सकता है, कभी कभी ज्यादा जोर से हंसते हंसते भी जा सकता है। सो ये होता है लैरिंजियो फेरिंजियल रिफ्लक्स। इससे क्या होता है, स्टमक एसिड है, ये स्टमक एसिड ऊपर, इसके साथ बार बार होगा तो गले का आवाज भी चेंज हो सकती है, सोरनेस हो सकती है, कॉन्स्टेंटली यू माइट नीड टू क्लियर योर थ्रोट, सेंसेशन हो सकती है ड्रिपिंग डाउन द बैक ऑफ योर थ्रोट, दैट इज वो, इसके साथ ही पोस्ट नेजल ड्रिप हो सकता है, दैट कैन बी देयर, लैरिंजियो फेरिंजियल रिफ्लक्स। अगर ये अनट्रीटेड रहता है तो वॉइस डिसऑर्डर, थ्रोट अल्सर, ऐसी चीजें हो सकती है, तो इसको लिए भी अर्ली ट्रीटमेंट, जिसके लिए वैसे बेसिक चीज है, इसके लिए मेडिकेशन, होम ट्रीटमेंट्स, खाना कम खाना, PPIs, ये सब की जरूरत है। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में भी आपको खाने के बाद कफ हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी यानी अपर गले का ऊपर,
अपर रेस्पिरेटरी, ऊपर यानी गले का, क्योंकि खाना गले को लग के जाता है और ये पूरा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन होने से आपको दिक्कत हो सकती है। अ क्रोनिक कफ एंड ईटिंग, ये अब सुनो, अगर आपको किसी भी प्रकार का कफ कफ है तो वो एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, गला खराब है तो कफ होगा, सोर थ्रोट है तो कफ होगा, उसके ऊपर खाना खाते हो तो भी कफ होगा, लेकिन वो कैसा होगा, ड्राई हार्श, उसमें हैक होगा, हैकिंग कफ होगा। तो ये सारे प्रकार के कफ हो सकते हैं एक सोर थ्रोट वाले कफ में, सो दैट इज देयर। और कफिंग विल कॉज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, अगर कफ हो रहा है तो वो फिर ठीक हो सकता है दवाइयों से, वो फिर पूरी तरह से ठीक हो सकता है, लेकिन अगर वो GERD या लैक्स वाले से है तो पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, याद रखिए। अस्थमा है, अस्थमा से इस तरह के कफ ज्यादातर केसेस में नहीं होते, लेकिन कफिंग होना पॉसिबल है, तो खाने पीने में अगर कोई ऐसी चीज है जो अस्थमा ट्रिगर करे, तो जो एक पॉसिबिलिटी है, कम चांसेस है लेकिन पॉसिबिलिटी तो, उसके वजह से भी ऐसा हो सकता है। फूड एलर्जी जिसको बोलेंगे, फूड से एलर्जी है तो एकदम अंदर गया वैसे ही अस्थमा प्रेसिपिटेट हो गया या खांसी प्रेसिपिटेट हो गई, वो एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। तो एलर्जिक सिम्टम्स आ सकते हैं, उसके बाद रैश आ सकते हैं, खुजली हो सकती है, कई लोग रेयर केसेस में एनाफेलेक्सिस भी हो सकता है, वो एनाफेलेक्सिस मतलब सांस की नलियां बंद होने लगी है, दैट इज अ रेयर थिंग, वो फूड एलर्जी। मान लो किसी को पीनट से एलर्जी हो, पीनट खा लिया, समथिंग लाइक दैट, उसको खांसी भी होगी, सांस भी फूलेगा। डिसफेजिया हो, सांस की खाने की नली ही मान लो सुखड़ी हुई है, खाने के नली में कैंसर है, खाने के नली में बैरेट्स ऑफ़ कुछ और प्रॉब्लम है, तो वो डिसफेजिया के वजह से भी जब खाना नीचे नहीं जाएगा तो कफ होगा। तो डिसफेजिया एसिड रिफ्लक्स के वजह से भी हो सकता है और बहुत सारी अलग अलग बीमारियों के वजह से भी हो सकता है, एंडोस्कोपी के बाद एक थोड़े दिन के लिए रह सकता है। एस्पिरेशन निमोनिया मतलब खाना अगर ऊपर आके लैरिंजियो इसोफेगल रिफ्लक्स के सांस की नली में गया और अंदर चला गया, अब क्या होगा, सांस की नली में खाना गया और सांस की नली में इरिटेट कर रहा है, निमोनिया हो जाएगा, इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन मतलब उसको भी निमोनिया बोलते हैं, एस्पिरेशन निमोनिया। कभी कभी पानी चल जाता है, कभी एसिड चल जाता है, खाना चल जाता है, कभी कुछ चल जाता है, तो ये भी डेंजरस चीज़ है। वो एक तो स्वॉलोइंग में दर्द भी होगा, हार्ट बर्न भी होगा, खांसी में आपको ब्लड भी आ सकता है, निमोनिया बार बार हो सकता है, बहुत बार सलाइवा आएगा, बहुत बार दिक्कत होगी, सांस फूलेगा, कंजेशन होगा, वो वहाँ पर भाई साहब ये ट्रीटमेंट, फिर एस्पिरेशन निमोनिया सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है, लंग के अंदर इन्फेक्शन कर सकता है, लंग के अंदर पस बना सकता है, एब्सेस बन सकता है। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो भैया जाके डॉक्टर को दिखाओ, वो ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं, अंदर ट्यूब डाल के देख सकते हैं, एक्सरे सीटी स्कैन करके देख सकते हैं कि वहाँ कहीं खाना कुछ तो नहीं चला गया, ऐसे कोई साइंस दिख जाते हैं। सो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपको खाने के बाद दिक्कत हो रही है, तो पहला काम करो प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट तो चलो डॉक्टर करेंगे, डॉक्टर के पास जाना मत भूलें, डॉक्टर से बात करना ना भूलें, मगर प्रिवेंशन तो आप कर ही सकते हो। प्रिवेंशन के लिए खाना धीरे धीरे खाओ, स्लोली खाओ, पूरा पेट नहीं भरना एक बार में, दो दो चार चार घंटे के बाद खा लो, राइट। फूड डायरी बनाओ और बात देखो कि कौन सी चीज़ खाने के बाद कफ हो रहा है, जब पता चले आपको किससे एलर्जी है। खाने के साथ पानी नहीं पीना, एक घंटा पहले दो घंटे बाद, एक घंटा पहले दो घंटे के बाद पानी पीना, जरा जरा सा पी सकते हो अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, पानी या कोई भी लिक्विड हो, ठीक है। कोई भी दवा है आपकी अगर वो ले रहे हो, एसिड रिफ्लक्स वाली या अस्थमा वाली, वो पक्का लेना है, उसको मिस करने के बाद प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। एक ग्लास ऑफ वाटर अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, अगर मान लो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो सिप्स ले लो, ये बेसिक है, बहुत ज़्यादा नहीं। कभी कभी गला खराब है तो वार्म वाटर पीने से आराम भी होता है, तो एक सिप से आराम हो जाएगा, दो सिप से आराम, और डॉक 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 खाने के साथ में गटकना नहीं है पानी, डोंट थिंक अबाउट इट। तो बहुत सारी चीज़ें आपके खाने के बाद दिक्कत कर सकती है, उसको समझोगे तो मैनेज करोगे तो बच जाओगे, तो सिंपल हो जाएगा, समझ में आ जाएगा भी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो दैट इज ऑल, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, और आपको समझ आए कि खाने के बाद कैसे प्रॉब्लम होता है। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो सो दिस कैन हेल्प अदर्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड द बेल आइकन। बाय बाय।